देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने आईटेल के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। इस साझेदारी के तहत दोनों ही कंपनियां एक लो कॉस्ट 4G 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि आईटेल 7,000 रुपए कीमत में स्मार्टफोन पेश करने वाली भारत की टॉप कंपनी है। ऐसे में जियो की तरफ से सस्ते स्मार्टफोन के निर्माण के लिए आईटेल को चुना गया है। इस डील को इस साल मई में मंजूरी मिलने की संभावना है। दोनों ही कंपनियां मिलकर भारत में सबसे कम कीमत में स्मार्टफोन लॉन्चिंग की तैयारी में है। यह डिवाइस खासकर उन भारतीयों के लिए होगी जो फीचर फोन से स्मार्टफोन की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। आपको बता दें कि डिवाइस को खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की जरूरत के मद्देनजर डिजाइन किया जाएगा। हालांकि आईटेल और जियो की साझेदारी वाली इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस का खुलासा नहीं हुआ है। लीक रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आईटेल जियो स्मार्टफोन इस साल मई में लॉन्च किया जा सकता है। आपको बता दें कि आईटेल भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में सबसे अफोर्डेबल कीमत पर स्मार्टफोन उपलब्ध कराती है, जबकि रिलायंस जियो अफोर्डेबल प्राइस पर रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है। आईटेल और रिलायंस जियो के पार्टनरशिप के तहत अब बहुत जल्द दोनों ही टेलीकॉम कंपनियां मिलकर एक सस्ते 4G 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।